राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा नवोदय विद्यालयों की सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु सहायक सामग्री के रूप में प्रस्तुत है कार्यक्रम पद्मिनी। राजपूताने के इतिहास में बहुत सी ऐसी कथाएं प्रचलित हैं जिनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वे जनमानस में ऐसी रच बस गई हैं कि इतिहास और लोक गाथा को अलग अलग करना कठिन है। ऐसी ही एक कथा है रानी पद्मिनी के जौहर की कथा। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी थी, परम रूपवती। ऐसा रूप कि अंधेरे में उजाला कर दे। चित्तौड़ की इस रूपवती रानी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। दिल्ली के सुल्तान तक भी पद्मिनी के रूप की चर्चा पहुंची। 13वीं शताब्दी के अंतिम दिन थे। दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। चारण भाटों से पद्मिनी के रूप की चर्चा सुनकर अलाउद्दीन के मन में लोभ जागा। उसने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। शाही सेना चित्तौड़गढ़ के चारों ओर घेरा डाले कई महीनों तक पड़ी रही, लेकिन मेवाड़ के राणाओं ने चित्तौड़ का निर्माण कुछ इस तरह किया था कि जरूरत की सारी चीजें दुर्ग के अंदर ही मौजूद थीं। बाहर दिल्ली का लश्कर घेरा डाले पड़ा रहा और अंदर किसान हल चलाते रहे, खेतीबाड़ी करते रहे। आखिर थक कर सुल्तान की सेना घेरा उठाकर वापस लौटने लगी। सुल्तान ने राणा रतन सिंह के पास संदेश भेजा। महाराणा रतन सिंह की खिदमत में आदाब पेश करते हुए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की दरखास्त है कि क्या बात है दूत, तुम रुक क्यों गए? अब महाराणा साहब, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं? हाँ हाँ, निर्भय होकर कहो। सुल्तान एक बार रानी पद्मिनी का दीदार करना चाहते हैं। जो दर्शनीय है उसे तो हर कोई देखना चाहेगा, इसमें अनोखी बात क्या है? लेकिन ये राजपूती मर्यादा के विरुद्ध है। हमारे राजकुल की स्त्रियां पराये पुरुष के सामने नहीं आती। महाराणा, सुल्तान फरमाते हैं कि जिस रूप के दीदार के लिए हम दिल्ली से चित्तौड़ आए, इतने दिनों तक यहां घेरा डाले पड़े रहे, अगर उस रूप की एक झलक दूर से ही देख पाते तो हमारा यह सफर बेकार नहीं जाता। हम सिर्फ उन्हें एक नजर दूर से देखकर लौट जाएंगे, यह हमारा वादा है। पहले तो रानी किसी भी तरह अलाउद्दीन के सामने आने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन फिर प्रजा के हित को ध्यान में रखते हुए ये तय पाया गया कि रानी सरोवर के बीच बने अपने महल की सीढ़ियों पर आएगी। सुल्तान कमरे में लगे बड़े बड़े शीशों में रानी का प्रतिबिंब देखेगा। इस तरह राजपूती आन भी रह जाएगी और दिल्ली के सुल्तान की बात भी। ठीक समय पर सहेलियों से घिरी रानी पद्मिनी सरोवर के बीच बने भवन की सीढ़ियों पर आई। उसका प्रतिबिंब सरोवर के किनारे बने महल की दीवार पर लगे दर्पण पर पड़ा। इतनी दूर से भी रानी का रूप दर्पण में देखकर सुल्तान अलाउद्दीन चकित रह गया। सुभान अल्लाह, ये मेवाड़ की रानी है या जन्नत की हूर?
महाराणा साहब, हम आपके बहुत बहुत एहसान मंद हैं जो आपने हमें इनके दीदार का मौका दिया। आज का ये दिन हमें सारी जिंदगी याद रहेगा। अच्छा, तो अब हमें इजाजत दीजिए। तो क्या आप आज ही दिल्ली लौट जाएंगे? कुछ दिन यहाँ रहकर हमें मेहमान नवाजी का मौका देते? जी नहीं, जिस मकसद से हम चित्तौड़ आए थे वो पूरा हो गया। अच्छा, अब हमें रुख्सत कीजिए। तो चलिए, हम कुछ दूर तक आपके साथ चलेंगे। नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। वाह, जरूरत कैसे नहीं? आपने शायद इस देश की मेहमान नवाजी के बारे में नहीं सुना है। हम भारतीय अतिथि को देवता का रूप समझते हैं, उसका आदर सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है। आइए चलिए। राणा रतन सिंह जाते हुए मेहमान को विदा करने महल से बाहर आए। बातें करते करते वो लोग एक एक कर चित्तौड़गढ़ के सातों दरवाजे पार कर पहाड़ी के नीचे तक आ गए। तभी अचानक सुल्तान के इशारे पर दिल्ली के सैनिकों ने राणा को बंदी बना लिया और महल में संदेश भेजा गया कि यदि राणा को जीवित देखना है तो रानी पद्मिनी को सुल्तान की खिदमत में तत्काल पेश होना पड़ेगा। रानी सोच में पड़ गई। एक ओर पति का जीवन और दूसरी ओर राजकुल की मर्यादा। उसने अपने मायके से आए हुए अपने एक वृद्ध संबंधी गोरा को बुलवाया। गोरा के साथ उनका 12 वर्षीय भतीजा बादल भी था। क्या बात है बेटी, मुझे इस समय कैसे बुलवाया? क्या करूं काकोसा, संकट की इस घड़ी में और किस पर भरोसा करती। तुम आज्ञा करो बेटी, तुम्हारे लिए तो ये जान भी हाजिर है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है काकोसा। हमने सोचा था सुल्तान अपना वादा निभाएगा, लेकिन जब राणा जी उसे विदा करने दुर्ग से बाहर गए तो उसने उन्हें बंदी बना लिया, और अब उन्हें मुक्त करने के लिए मेरे दिल्ली जाने की शर्त रखी है। उस दुष्ट की ये हिम्मत! मेवाड़ की रानी क्या दिल्ली सुल्तान की बांदी है जो उसके इशारे पर दिल्ली चली जाएगी? जब तक एक भी राजपूत के शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष है तब तक तुम्हारे कहीं जाने का प्रश्न नहीं उठता। समय आ गया है जब दिल्ली सुल्तान राजपूतों की तलवार की धार देखेगा। नहीं काकुसा, उसने हमारे साथ धोखा किया है, अब हम भी उसके धोखे का जवाब धोखे से देंगे। आप कहलवा दीजिए कि संध्या समय पद्मिनी अपनी सहेलियों सहित सुल्तान की सेवा में उपस्थित होगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं सुल्तान के पास जाने से पहले कुछ क्षण एकांत में महाराणा से मिलना चाहती हूँ। मगर बेटी, मगर का समय नहीं है काकुसा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कीजिए। सुल्तान की सेना गढ़ के नीचे डेरा डाले पड़ी थी। वहीं राणा भी कैद थे। संध्या समय चित्तौड़गढ़ से एक तो नहीं पूरी 100 पालकियां उतरी। बताया गया कि रानी की सभी सहेलियां उसे विदा देने आई हैं। कड़े पहरे के बीच रानी की पालकी एक बंद तंबू में उतारी गई। बंदी राणा को वहां लाया गया। रानी, मैं बहुत
बहुत लज्जित हूं, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। प्रणाम महाराणा। हाँ? मैं गोरा का भतीजा बादल हूँ। अरे बादल। हाँ। ये रानी की पालकी में तुम कैसे? आपने क्या समझा था महाराज, हम लोगों के जीवित रहते भला रानी इस तरह पालकी में बैठकर सुल्तान के साथ दिल्ली चली जाती और हम मुंह देखते रह जाते। लेकिन जब ये पालकी सुल्तान के शिविर में पहुंचेगी तब क्या सुल्तान तुम्हें छोड़ देगा? इसकी चिंता क्यों करें, हम तो अंतिम युद्ध की तैयारी करके आए हैं। हम कौन? इस पालकी के साथ 100 पालकियां और आई हैं। हाँ। मुगलों से कहा गया है कि उनमें रानी की सखियां हैं। लेकिन उनमें गोरा मामा के साथ अनेक वीर सैनिक हैं। मगर बादल, ये अगर मगर का समय नहीं है महाराज, मैं आपकी जंजीरें काट देता हूँ। हाँ? अब आप तुरंत इस द्वार से बाहर निकल जाइए, बाहर एक सैनिक आपका घोड़ा लिए खड़ा है। हाँ। आप सीधे चित्तौड़गढ़ चले जाइएगा, रानी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। लेकिन बात है, आपको मेरी सौगंध है महाराज, मेरी चिंता मत कीजिएगा। हाँ, ठीक है। जब तक अलाउद्दीन को इस धोखे की खबर लगी, राजा रतन सिंह अपने दुर्ग के अंदर प्रवेश कर चुके थे। उधर हर हर महादेव के जय घोष के साथ गोरा और बादल शाही सेना पर टूट पड़े। चित्तौड़गढ़ के दूसरे फाटक के पास घमासान युद्ध हुआ। लेकिन कहां दिल्ली की साधन संपन्न असंख्य सेना और कहां मुट्ठी भर राजपूत। अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ के फाटक पार करते हुए आगे बढ़ने लगा। चित्तौड़गढ़ का हर पुरुष, बालक, वृद्ध और युवक केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो गया। जब स्त्रियों को ये आभास हो गया कि हार निश्चित है, तो उन्होंने शत्रुओं के हाथ में पड़ने की अपेक्षा प्राण देना बेहतर समझा। ऐसे समय में राजपूतों में जौहर की प्रथा थी, सभी पुरुष युद्ध पर निकल पड़ते और स्त्रियां एक विशाल चिता में जलकर अपनी आन की रक्षा करती। जौहर की तैयारियां शुरू हुई, स्त्रियों ने 16 श्रृंगार किए और मंगल गीत गाती हुई वो एक एक कर धधकती हुई चिता में कूद पड़ी। उधर केसरिया बाना पहने राजपूतों की टोलियां आ आकर दिल्ली की सेना से टकराती रहीं। लाशों के ढेर लग गए। उन लाशों पर से गुजरते हुए जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के महलों में प्रवेश किया, तो वहां मिली सूनी गलियां और एक विशाल धधकती चिता। उस धधकती चिता की लपटों ने एक और स्वर्णिम पृष्ठ लिखा, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के बलिदान का पृष्ठ। पद्मिनी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, विषय संयोजन ममता गुप्ता, भाग लेने वाले कलाकार मंजू मैनी, राम मैनी, वीना होरा, वीएम बडोला, अभय भार्गव, सुरेंद्र सेठी और प्रवीण शर्मा, ध्वन्यांकन सतीश लाडे, प्रस्तुति सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।